कोमल ऐसे बिहेव करती रहती है कि उसे यिल्दिज और जुनैद की न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऑब्सेस्ड है वो उनसे। उसने उमर को बुलाया था ना अपने घर, वो आया। वहाँ ये लड़की जो उमर की दीवानी है वो भी मौजूद है। इसका नाम अलेना है। प्लान था कि उमर के साथ इसका रिलेशन बनाया जाए, पर सारा दिन कोमल और उमर ही बातें करते रहे, लाइक दोनों को एक दूसरे से हैंग आउट करना बहुत अच्छा लग रहा हो। अलेना बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। होता है ना कभी कभी आप एक साइड हो जाते हो। उमर तो कुछ ज़्यादा ही कोमल के साथ मज़े कर रहा है। उसके साथ एक बेट लगाया था जिसमें वो जीतते हुए भी कोमल के कहने पर समुंदर में छलांग लगाता है। ये देख के गुस्से में अलेना चली जाती है। उमर और कोमल नोटिस भी नहीं करते और केयर भी नहीं करते। कोमल उसको कपड़े बदलने के बाद डोगन के कपड़े देती है। दोनों बहुत मज़े से बात करते हैं, तभी डोगन आता है और सीमिंगली डोगन को उमर से भी प्रॉब्लम है। उमर सलाम करके डरते हुए चला जाता है। हाँ, इसी दौरान कोमल किचन में अपनी मुलाजिम के मोबाइल पर यिल्दिज़ और जुनैद की न्यूज़ सुनती है कि दोनों का डिवोर्स डिले कर दिया है। उसके लिए तो ये गुड न्यूज़ नहीं है। ऑफिस में आरजू महमद से कह के पूरे ऑफिस में कॉफ़ी बंटवाती है, पर आलिया की सेक्रेटरी यास्मीन के कॉफ़ी में शायद पेट ख़राब होने वाली कोई चीज़ मिलाई गई है, इसलिए उसका पेट ख़राब हो जाता है और वो आलिया से कह के लीव पे चली जाती है। पर उसके जगह बानू सेक्रेटरी रहेगी और ये बात आलिया को पता चलते ही उसने कुंवर को मैसेज करके कह दिया कि काम पे लग जाओ। आलिया यिल्दिज़ के साथ है और यिल्दिज़ उसे जुनैद के कोर्ट वाले बातों को बताती है। आलिया कहती है कि शायद तुमसे प्यार करता है या फिर शेयर्स वापस पाने के लिए कर रहा है ये सब। यिल्दिज़ कहती है कि डोगन से ब्रेकअप हो गया है तुम्हारा, ऑफिस के लोगों से पता चला। आलिया एम्बेरस होती है, कहती है दरअसल तुम्हारे लिए हुआ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे लिए मैं डोगन के वहाँ तुम्हारी साइड लेती हूँ, इसलिए ब्रेकअप हुआ। यिल्दिज़ तो यकीन नहीं करती, इसलिए पूछती है कि अब जब डोगन से कोई रिश्ता नहीं है तो मेरी गवाह बनोगी, झूठ बोलोगी कि तुमने जुनैद और कोमल को साथ देखा है। आलिया नर्वस होकर कहती है कि ऐसा नहीं कर सकती, इससे बिजनेस में डोगन से दुश्मनी हो जाएगी। यिल्दिज़ कहती है ठीक है, पर यिल्दिज़ की आंखों में जो कड़वापन है उसे आलिया को देख के डर लगने लगता है। यिल्दिज़ गुस्सैल सी हो गई है। जब भी उसको किसी पर गुस्सा आता है वो आयशा को बुलाकर कहती है मेरी बंदूक लेकर आओ। आलिया को भी ऐसे डरा दिया उसने। आरजू फिजा को डोगन और आलिया के ब्रेकअप का बताती है जिससे दोनों मज़ा लेते हैं। वो लोग आलिया की मिमिक्री करते हैं। आरजू कहती है देखा ना कैसे सब हमारे हिसाब से हो रहा है फिजा। फिजा बेस्ट मिमिक्री करती है आलिया की, कहती है सही कहा आरजू। कुछ दिन पहले आमिर और कुंवर एक हारून नाम के आदमी को अपने रेस्टोरेंट में देखा था जिसके इर्द गिर्द लड़कियाँ घिरी हुई थी। दरअसल ये आदमी स्पिरिचुअल हीलिंग करता है, काफ़ी स्किल्ड और फेमस है, इसलिए कुंवर और आमिर आलिया और यिल्दिज़ के लिए हारून को हायर करते हैं। वो जाके उनको पानी से भरे गमले में कुछ मिलाकर उन लोगों की हीलिंग करते हैं मेडिटेशन करवा के। उन्हें आयशा आसमा और आमिर भी ज्वाइन करते हैं। मेडिटेशन करते करते अफर्मेटिव बातें बुलवाता है हारून, जैसे कि मैं अपनी ही सुनती हूँ, अपना अच्छा करती हूँ वगैरह, सब वैसा ही बोलते हैं। पर जब वो कहते हैं कि मैं सबको माफ़ कर देती हूँ, सब मेडिटेशन बंद कर देते हैं, स्पेशली यिल्दिज़ कहते हैं ये नहीं हो सकता हमसे। फिर वो लोग अपनी सारी माजी उसे बता देते हैं, शादियाँ, बदला, खून, किडनैपिंग, जेल जाना सब। हारून बेचारा डर के भाग जाता है। शाम को कोमल को डोगन पूछता रहता है उमर का। वो कहती है इससे भी आपको प्रॉब्लम है। डोगन कहता है अलेना भी आने वाली थी ना, कहाँ गई? कोमल अपने बदतमीज अंदाज में कहती है पता नहीं कहाँ खो गई। बस डोगन समझ जाता है कि ज़रूर अलेना उमर के साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी, पर कोमल ने उससे छीन लिया। कहता है संभल के रहो कोमल प्लीज़। कोमल टालती रहती है। डोगन कहता है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, पता है आज तुम्हारे प्यारे जुनैद ने कोर्ट में क्या कहा? मेरे साथ कोमल का कोई रिश्ता नहीं। जब तुम टीवी पे दन दनाते हुए कह रही थी कि जुनैद मेरा प्यार है, वो तुम्हें घास तक नहीं डाल रहा था। कोमल ट्रिगर हो जाती है, गुस्से में कहती है कि बस बहुत हुआ, हर रोज़ आपसे ये नहीं सुनना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। रोते हुए चली जाती है और डोगन कहता है कि भले के लिए ही बोलता हूँ, पर बिगड़ैल लड़की को सपनों के दुनिया में ही जीना अच्छा लगता है। ऐसे बच्चे सिर्फ माँ बाप की वजह से ही सर पे चढ़ जाते हैं। यिल्दिज़ आमिर को कॉल करके कोमल का फ़ोन चुराने कहती है। उसमें जुनैद और कोमल के कोजी पिक्चर्स है। आमिर उमर से मदद मांगता है, पर उमर कहते हैं मैं इन सब में नहीं पढ़ूंगा। जुनैद यिल्दिज़ के पास आता है हालिद चांद से मिलने। यिल्दिज़ तो चाहती नहीं है पर मिलने देती है। हालिद चांद के सोने का वक्त हो जाता है, पर हालिद चांद तो बहुत खुश लग रहा है जुनैद के साथ। यिल्दिज़ से जुनैद रिक्वेस्ट करता है कि वो आज हालिद चांद को सुलाए। यिल्दिज़ ना चाहते हुए भी मान जाती है। कहती है जब तक कोमल के साथ एडवेंचर कर रहे थे तब कहाँ था ये प्यार। जुनैद हालिद चांद को जी भर के प्यार कर लेता है। ये कैसा बॉन्डिंग है यार, कितना प्यार करते हैं हालिद चांद से, एज इफ उसके बिना रह नहीं पाएगा। जो भी हो पर ये रिश्ता अच्छा लगता है। यिल्दिज़ आयशा से कहती है कि हालिद चांद और जुनैद को चद्दर से ढक देना अगर दोनों सो गए तो। आयशा मुस्कुराती है यिल्दिज़ का जुनैद को केयर करते हुए देख के। यिल्दिज़ टाल देती है। सुबह यिल्दिज़ उठती है, पूरा कमरा पिंक गुलाबों से सजा हुआ है। पास में हालिद चांद एकदम सूटेड बैठा हुआ खेल रहा है। सब जुनैद ने किया,
एक चिट्ठी में हाली चैन की तरफ से जुनैद ने लिखा, अम्मी बहुत शुक्रिया मुझे अपने पापा के साथ वक्त गुजारने देने के लिए। यिल्दिज़ को यह जेस्चर अच्छा लगता है। आसमा आयशा से पूछने पर पता चलता है कि जुनैद के लाख इसरार पर आयशा ने जुनैद की मदद की। आसमा और आयशा दोनों ही चाहते हैं कि वो दोनों एक हो जाए, पर बहुत गड़बड़ी होगी। पर यिल्दिज़ आके कहती है कि सिर्फ फूलों से बेवकूफ़ नहीं बन जाऊंगी मैं। हालांकि यिल्दिज़ खुश लग रही है। ऑफिस में जुनैद जब फिज़ा को यिल्दिज़ के लिए उसने जो भी किया सब बताता है, फिज़ा की आवाज़ ही अटक जाती है। कहती है यिल्दिज़ अब नरमी दिखाएगी। उसके मुँह से दिल की बात निकलने लगी, लाइक यिल्दिज़ ऐसे कैसे मान गई, कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं। जुनैद कन्फ्यूज़ होता है और कहता है मैं तो किसी भी तरह उसे वापस अपना बना के ही रहूँगा। फिज़ा कहती है हाँ अपने बेटे का इस्तेमाल करके कर लेना। जुनैद कहते हैं मतलब? फिज़ा कहती है कि बस ऐसे ही कह दिया। जुनैद पूछता है कि आज हो क्या गया है तुम्हें। फिज़ा बहाना करके चली जाती है। आसमा यिल्दिज़ को कोमल का इंस्टा अकाउंट दिखाती है अपने फेक अकाउंट से, जिसमें एक पोस्ट है जहां कोमल के रूम में सेम यिल्दिज़ के रूम जैसे गुलाब सजे हुए हैं। यह देख के यिल्दिज़ कहती है कि मतलब जुनैद उसे भी गुलाब भेज रहा है, दोनों को ही हाथ में रखना चाहता है। पर असलियत में कोमल ने उस फूल वाले से कॉन्टेक्ट कर रखा था जुनैद को लेके, जहाँ से जुनैद ने फूल भेजे थे यिल्दिज़ को। जुनैद के यिल्दिज़ को फूल भेजने वाली बात फूल वाला कोमल को बताता है और कोमल वही फूल अपने घर भिजवाने कहती है। इस तरह यिल्दिज़ जुनैद पर चिढ़ गई। अब आप बताओ क्या ये पॉसिबल है? कौन सा दुकानदार किसी भी रैंडम कस्टमर का इन्फॉर्मेशन एक इंसान को देगा? कोमल को कैसे पता लगा कि जुनैद फूल ही देगा यिल्दिज़ को? पूरे इस्तानबुल को खरीद थोड़ी लिया है उसने। और उसे कैसे पता है कि आसमा उसे इंस्टा पे चेक करेगी अपने फेक अकाउंट से? एंड सी कोमल कितनी डेस्परेट है, पता होते हुए भी बेइज्जती करवा रही है अपनी। यिल्दिज़ के पास कोई सबूत ना होने की वजह से ज़लिया यिल्दिज़ से कहती है कि चिंता मत करो मेरे पास एक तगड़ा गवाह है, अभी नहीं बताऊंगी। आलिया डोगन को फुल ऑन इग्नोर मार के चली जाती है। डोगन की अन्ना को ठेस पहुंचती है। आलिया से कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, देखो पर्सनल बातों से हमारे बीच दरार नहीं पड़नी चाहिए। आलिया कहती है क्या कहना चाहते हो? फिर कहती है कि जैसे तुम्हारे डिसिप्लिन बुक में लिखा है ना कि पर्सनल लाइफ में आलिया नहीं पर प्रोफेशनल लाइफ में आलिया चाहिए, वैसे ही मेरे डिसिप्लिन बुक में प्रोफेशनल लोगों से मैं दूरी बना के रखती हूँ। डोगन को लगा हल्का सा झटका, वो बेजुबा होकर चला जाता है। आलिया यास्मीन को आने से मना करके अपने नोटबुक में कुछ लिखती है। बाहर जाके बानू को कहती है मेरे रूम में किसी को आने मत देना। बानू को आरजू ने खरीद लिया है इसलिए वो आलिया के रूम में ताका जाके कर उसकी नोटबुक से एक पेज की पिक्चर लेती है जिसमें लिखा है सामी 6:30 बजे। यानी आलिया इनको दिखाना चाहती है कि वो सामी के साथ मिली हुई है जो कि डोगन का दुश्मन है और वो आज शाम 6:30 बजे उससे मिलने जाएगी। इधर आमिर कुंवर से हेल्प लेता है कोमल के फ़ोन के लिए। कुंवर उमर के फ़ोन से चुपके से कोमल को मिलने बुलाकर मैसेजेस डिलीट कर देते हैं। कोमल उमर से मिलने आती है। उमर को समझ नहीं आता कि उसने कोमल को कब बुलाया, पर दोनों ही बातें करने लगते हैं। तभी कुंवर और आमिर गंदी तरह से हाथापाई करने का नाटक करते हैं और इस दौरान कोमल की टेबल को वो लोग गिरा देते हैं। आमिर चुपके से कोमल के मोबाइल को ले जाकर देखता है तो उसमें जुनैद और कोमल के इंटीमेट पिक्चर्स नहीं है। वो एक वेट्रेस को कह के कोमल को वो फ़ोन देने कहता है और ये कहने कहता है कि मुझे ये फ़ोन कहीं पे पड़ा हुआ मिला। वो वेट्रेस वैसा ही करती है। ये देख के उमर समझ जाता है कि अभी क्या हुआ। वो बाद में कुंवर और आमिर को डांटता है क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि वो लोग कोमल का फ़ोन हासिल करना चाहते थे। आमिर यिल्दिज़ को बताता है कि कोई फ़ोटो नहीं मिली। आरजू और महमद को बानू के थ्रू आलिया वाली सीक्रेट मिल गई है कि वो सामी के साथ मिली हुई है। आरजू डोगन को बताती है ये और कहती है कि आज शाम मेरे साथ चलो मैं प्रूव कर दूंगी। डोगन मान जाता है। शाम को डोगन और आरजू उस जगह जाते हैं जहां आरजू के हिसाब से आलिया सामी से मिलने वाली है, पर वहां तो आलिया बच्चों को पार्टी दे रही है। वहां सामी नाम का कोई आदमी नहीं है, वो बच्चों के साथ मजे करती है। यही तो प्लान था। वो आरजू को ये सब दिखा रही थी कि वो सामी से मिली हुई है, लेकिन आरजू की बेइज्जती हो जाती है डोगन के सामने और डोगन भी एम्बेरस हो जाते हैं। आलिया उनके मज़े लेती है। इधर सुबह कोर्ट में वही सारी बातें होती है, पर आज जलिया के पास गवाह है जो प्रूव कर देगा जुनैद के साथ कोमल की रिलेशनशिप थी। यिल्दिज़ को भी नहीं पता कि वो गवाह कौन है। गवाह आती है, पैर से लेकर सर तक दिखाया जाता है और वो है कोमल। यिल्दिज़ शॉक्ड, जुनैद भी शॉक्ड। कोमल तो वैसे भी तलाक करवाना चाहती थी इसलिए वो हेल्प करने आ गई होगी जलिया के कहने पर। एपिसोड एंड्स। ओके देन बाय।